स्वागत है आपका शूट वूट हेल्थ केयर में। दीदी के नुस्खे में आज हम बात करेंगे गिलोय की। कोरोना काल में इम्यूनिटी बूस्टिंग और बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करने की वजह से गिलोय को हम सुपर पावर भी कह सकते हैं। कोरोना वायरस की वजह से हम सब ही गिलोय के बारे में काफी कुछ जानते हैं, परंतु कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो कि इसके गुणों को नहीं जानते। तो चलिए जानते हैं गिलोय के बारे में। पहले आपको ये जरूर बता दें कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट आयुष मंत्रालय ने जो इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा बताया था, उसमें गिलोय एक सबसे एक्टिव इंग्रेडिएंट है। इसे अंग्रेजी में टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया कहा जाता है। आयुर्वेद में भी इसको कई नामों से जाना जाता है, अमृता, गुडीची, छिन्नरुहा, चक्रांगी आदि। बहुवर्ष आयु तथा अमृत के समान गुणकारी होने की वजह से इसका नाम अमृता है। कहा जाता है कि जिस पेड़ को ये अपना आधार बनाती है, उसके गुण भी इसमें समाहित रहते हैं। इसलिए नीम के पेड़ पर चढ़ी गिलोय सबसे अच्छी मानी जाती है। ये दिखने में कुछ कुछ पान के पत्ते जैसी होती है। आधुनिक आयुर्वेद आचार्यों के अनुसार गिलोय नुकसानदायक बैक्टीरिया से लेकर पेड़ के कीड़ों को भी खत्म करती है। टीबी रोग के कारण बनने वाले वाणु की वृद्धि को भी रोकती है। आंत और यूरिन सिस्टम के साथ साथ पूरे शरीर को प्रभावित करने वाले रोगाणुओं को भी यह खत्म करती है। चलिए अब जानते हैं गिलोय के फायदों के बारे में। गिलोय के औषधीय गुण और गिलोय के फायदे बहुत तरह की बीमारियों के लिए उपचार स्वरूप इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन कई बीमारियों में गिलोय के नुकसान से भी सेहत पर असर पड़ सकता है। इसलिए गिलोय का औषधीय प्रयोग की मात्रा और तरीका सही जानना बहुत जरूरी है। गिलोय के औषधीय गुण आँखों के रोगों से राहत दिलाने में बहुत मदद करते हैं। इसके लिए 10 मिली गिलोय के रस में 1 से 2 ग्राम शहद व सेंधा नमक मिलाकर खूब अच्छी प्रकार से खरल में पीस लें। इसे आँखों में काजल की तरह लगाएं। इससे अंधेरा छाना, चुभन और कालापन तथा सफेद मोतियाबिंद रोग ठीक होते हैं। इसके अलावा गिलोय रस में त्रिफला मिलाकर काढ़ा बनाएं। 10 से 20 मिली काढ़े में 1 ग्राम पीपली चूर्ण वे शहद मिलाकर सुबह और शाम सेवन करने से आंखों की रोशनी तो बढ़ती ही है, साथ ही आंखें अच्छी भी हो जाती हैं। गिलोय का सेवन करते समय एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि इसकी सही मात्रा और सही तरह से सेवन करने पर ही गिलोय के फायदे और सही तरह से उपकार आँखों को मिलता है। गिलोय के औषधीय गुण पीलिए से भी राहत दिलाने में बहुत लाभदायक हैं। यह हमारे लिवर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। डायबिटीज के ऐसे मरीज जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज की समस्या है, उनके लिए गिलोय के सेवन से बहुत लाभ मिलता है। गिलोय में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने की क्षमता है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए अक्सर डॉक्टर गिलोय के जूस का सेवन करने की सलाह भी देते हैं। एक और जरूरी गुण है गिलोय में, अगर कोई इंसान लगातार बीमार पड़ता रहता है, इसकी वजह उसकी कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता या कमजोर इम्यूनिटी भी हो सकती है। खून को साफ करके बैक्टीरिया को मारकर हेल्दी कोशिकाओं को मेंटेन करके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल से लड़के इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है। ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए समय और पैसे खर्च करने की जगह अगर आप गिलोय के जूस का सेवन शुरू कर सकते हैं, तो ये आपके लिए रामबाण दवाई है। ऐसे लोग जो कि जीर्ण ज्वर या क्रोनिक फीवर या अन्य बीमारियों से परेशान हैं, इनके लिए भी गिलोय बहुत ही फायदेमंद होती है। डेंगू बुखार की समस्या होने पर भी ये उसके लक्षणों को दूर करता है। गिलोय के सत को थोड़ा मात्रा में शहद के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने पर मलेरिया की समस्या भी दूर हो जाती है। पर क्या आप ये जानते हैं कि गिलोय, जिसे आयुर्वेदिक महान औषधि कहा गया है, इससे नुकसान भी है? जी हाँ, गिलोय जितना हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, उतना ही इससे नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इससे होने वाले नुकसान के बारे में। वैसे तो गिलोय पाचन स्वास्थ्य समस्याओं के लिए इलाज में काफ़ी प्रभावी होता है, लेकिन कभी कभी पेट को ये नुकसान भी पहुंचाता है। इसका सेवन आप चाहे जैसे भी करें, इससे कब्ज की समस्या हो सकती है। गिलोय के सेवन से आपको जब भी कब्ज या जलन की समस्या हो,
तो गिलोय का सेवन कम कर दें। किसी भी तरह की पेट से संबंधित समस्या हो तो गिलोय के सेवन से बचना चाहिए। गिलोय अपच की समस्या को बढ़ा सकता है। अपच के कारण पेट में दर्द और मरोड़ की शिकायत भी हो सकती है। जिन लोगों को रक्त शर्करा के स्तर में संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उन्हें पूरी तरह से इस हर्ब के सेवन से बचना चाहिए। गिलोय रक्त शर्करा के स्तर को काफी कम कर देता है। ऐसे में आपको लो ब्लड शुगर लेवल होने की शिकायत हो सकती है। शरीर में इम्यून सिस्टम को हमेशा मजबूत बनाए रखना चाहिए ताकि आप गंभीर रोगों से बच सकें। लेकिन जब ये अधिक सक्रिय हो जाए तो खतरनाक भी हो जाता है। गिलोय कभी कभी इम्यून सिस्टम को अधिक उत्तेजित करता है, जिसके कारण ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लक्षण जैसे कि ल्यूपस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अर्थराइटिस हो सकता है। ऑटो इम्यून विकारों से पीड़ित लोगों को गिलोय से पूरी तरह बचना चाहिए। तो ये थे गिलोय के अपने कुछ फायदे और अपने कुछ नुकसान। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि अति हर चीज की बुरी होती है, तो गिलोय का भी सेवन करने से पहले उसकी सही मात्रा और सही उपयोग को जानकर ही लें। तो ये था आपके लिए कुछ अच्छा ज्ञान। दीदी के नुस्खे में हम फिर बात करेंगे किसी हेल्दी चीज के बारे में। तो हमारे साथ जुड़े रहिए शूट वूट हेल्थ केयर पे। धन्यवाद।